हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान, जो कि आपके पेपर प्रथम में जो भी जेई की परीक्षा होने वाली है उसमें पूछा जाता है, तो ये सामान्य ज्ञान वो प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हो सकता है यही क्वेश्चन फिर अगले परीक्षा में पूछे जाए। कुछ इसमें से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो शेयर करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इग्नोर करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है व्यापारिक बैंकों द्वारा, ऑप्शन सी है सहकारी बैंकों द्वारा, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए, नाबार्ड द्वारा जो है किसान क्रेडिट कार्ड नहीं निर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील बटा सन्नाटा है एक, नील बटा सन्नाटा क्या है? ऑप्शन देखिए, ए है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बी है आपका फीचर फिल्म, और सी है उपन्यास, डी है कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, फीचर्स फिल्म। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तीन नंबर क्वेश्चन, श्रमिक दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है श्रमिक दिवस? सब लोगों को जानना जरूरी है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, राइट ऑप्शन फिर बताइएगा। ऑप्शन ए है 1 मई, बी है 7 जुलाई, सी है 1 जून, और डी है 1 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 मई, यानी 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने सभी मित्रों को शेयर करिए ताकि इस वीडियो का आपके फ्रेंड्स सर्किल में जितने लोग हैं सारे इसका लाभ उठा सकें। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। 4 नंबर, रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, आप राइट आंसर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करिए। चलिए, इसका ए है गाय, बी है गुड़हल, सी है उल्लू, डी है बंदर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, गुड़हल। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंचशील का नारा किससे संबंधित है, किसने बोला था? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन है ए 372, बी है 362, सी है 382, और डी है 225। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी 382, 382। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, किस राज्य में? इसका ऑप्शन आपका ए है मध्य प्रदेश, बी है मेघालय, सी है झारखंड, और डी है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार, इसका राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 8 नंबर, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है फ्रेंड? इसका राइट आंसर है आपका सी, कर्मधारय समास बनता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है आपका डी, बहुव्रीही समास कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आपका ए, शब्दांश, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के, लिपि की अवधारणा आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता होती है, किसमें आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है भाषा बोलने में, बी ऑप्शन है भाषा लिखने में, सी ऑप्शन है भाषा संकेत में, और डी ऑप्शन है तीनों में। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, भाषा लिखने में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 12 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली कहां से निकली है, कौन से तरफ से? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, और या राजस्थानी हिंदी से? तो खड़ी बोली आपका पश्चिमी हिंदी से, राइट आंसर है आपका बी, पश्चिमी हिंदी से निकली है। नेक्स्ट देखिए सर,
थर्टीन नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका सी, 52 वर्ण लिपियां हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसको कहते हैं? तो मध्य स्वर आपका आ को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, आ और हा विसर्ग जो है कंठ शब्द है, कंठ वर्ण है। तो ये फ्रेंड आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जो कि टॉप 15 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लर्न कर लीजिए। वीडियो को एक से दो बार वॉच करेंगे आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम मैंने नहीं लगाया है क्योंकि ऑप्शन कुछ बोला हूं कुछ नहीं बोला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।